मैं आपको बता देती हूं तुरंत ही कि मैंने इसमें क्या बताया है क्या बनाया है बेटा हमारे हमारा जो वुकैप बुक आने वाला है उसके कंटेंट्स में आपसे डिस्कस करना चाह रही हूं जरा ध्यान से सुनना बेटा सबसे पहला चैप्टर विजुअल वुकैप का है ये विजुअल वुकैप में मैंने पिक्स लगाया हुआ है और उसके बगल में सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस किया हुआ है लेकिन इस चैप्टर के साथ आपको एक क्यू कोड मिलेगा और जब वो क्यू कोड को आप स्कैन करके लोड करोगे तो आपको सारे वोकैबलरी मैं जी के थ्रू एक्सप्लेन करते हुए दिखूंगी बहुत मजेदार सेशन में वो तो करीबन सौ वर्ड से सबके अराउंड सिनोनिम सेंटेंस साथ में बने हुए हैं आपके लिए चलिए नेक्स्ट आइए वोकैबलरी फ्रॉम रूट विषय को कहते हैं एटिमोलॉजी शब्द निर्माण विज्ञान जब एक रूट से कई शब्द बन सकते हैं तो हमें याद रखना आसान होता है इस चैप्टर में मैंने 500 वर्ड्स डाले लेकिन उसके बाद मैंने और भी रूट्स को उठाया है जैसे लॉजी ग्राफी फीलिया फोबिया मेनिया क्रेसी आर्की साइड ना साइड का मतलब किलिंग होता है कल्चर कल्चर का मतलब पालन होता है जैसे आता है पिस्सी कल्चर से क्वेश्चन आता है सेरी कल्चर आया हुआ है लेट्री आइडलेट्री आपको पता होगा मूर्ति पूजन को आइडलेट्री कहते हैं ठीक है थियो अगर हम कहते हैं जो भगवान पर भरोसा करता है वो थीस्ट होते नहीं करने वाले अथीस्ट होते उस सारे थियो से ठीक है उसके बाद फोर्टीन में हम आते हैं ईडियम्स पे तो मैंने क्या किया ईडियम्स को थोड़े भागों में तोड़ा है ताकि आप जितने एनिमल्स एंड बर्ड्स से इडियम से ह्यूमन से रिलेटेड है बॉडी पार्ट से रिलेटेड है कलर्ड कलर से रिलेटेड है ऑब्जेक्ट्स एंड से रिलेटेड है फूड आइटम्स लव और मैन और रिलेटेड टर्म से हमने सबको मैं अलग करते चली गई हूं और अलग अलग भाग कर दिया जो पेयर इडियम्स होता है जैसे ऑन एंड ऑन बाय एंड बाय इस तरह के पेयर इडियम्स है ना अल्फा एंड ओमेगा इस तरह के पेयर इडियम्स को अलग कर दिया कॉमन ईडियम्स लास्ट में मैंने जो बच गए उन सबको असेंबल करके एक जगह कर दिया ठीक है कॉमन ईडियम्स बेटा याद रखना करीबन मुझे लगता है कॉमन ईडियम्स आपके वन वर्ड सत्रह सो है और कॉमन ईडियम्स पूरा मिला के ईडियम्स में पंद्रह सो है ठीक है यानी सत्रह सो तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है कॉमन ईडियम्स अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड है कॉमन ईडियम्स मतलब ये सारा इडियम्स मिला के अब आती हूं मैं कि कुछ न्यूज पेपर आर्टिकल्स वगैरह की अगर मैं बात करूं तो बेटा कुछ ऐसे मुद्दों को उठाकर मैंने करीबन नाइन बनाया है आर्टिकल्स बनाया है और हर आर्टिकल में करीबन पचास से लेकर सौ तक के एडियम और टफ वोकैबलरी यूज करके दिखाया है कि भाई आप राइटिंग में कैसे यूज कर सकते हो सबका हिंदी में मीनिंग और सबका इंग्लिश में मीनिंग है हर शब्द का हिंदी में मीनिंग रेड में है और इंग्लिश में मीनिंग ब्लू में है ठीक है देखो जैसे एक कलर है ना और ये कलर यही दोनों कलर आपके पूरे के पूरे वो क्या बुक में एडेड है उसके बाद आइए सिमली जैसे रेड रोज है ना सॉफ्ट फर पूरा एक पेज भर के कॉमनली यूज फॉरिन वर्ड्स सुवोमोटो क्वेश्चन कई बार आया हुआ है वर्ड्स रिलेटेड टू वर्शिप वर्सशिप से रिलेटेड यानी कि चर्च हो मोनास्ट्री हो ठीक है लोग जानते हैं टेम्पल और मॉस्क क्या है लेकिन सिनागॉ क्या होता है जहां पे ज्यूस वर्शिप करते हैं है ना वो प्लेसेस रिलेटेड टू वर्शिप है फूड हैबिट जैसे कार्निवोर ओमनी वोर है ना वो इसमें है ठीक है उसके बाद आइए नेक्स्ट पेज में ये देखिए ऑफ स्प्रिंग का नाम क्या होता है जिसके बच्चों को क्या कहते हैं है ना ओवी पेरस वीवी पेरस क्वेश्चन आया हुआ है एज ग्रुप ठीक है हम जानते हैं टीनेजर लेकिन टीनेजर से क्वेश्चन नहीं आता प्यूबर्टी पूछता है ठीक है ना उसके बाद आपको कहेगा सेप्टुआ uh, जेनरेडियन उससे क्वेश्चन पूछेगा तो 70 साल वाले जो होते हैं वो सेप्टुआ सेप्टा मतलब हो जाता है सा, सत्तर सात का तो इस तरह से क्वेश्चन को मैंने रूट से रिलेट करके बताया है. फिर इंस्ट्रूमेंट्स जानते बेटा एक बात में समझ में नहीं आता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिजिक्स का क्वेश्चन होना चाहिए है ना बैरोमीटर इंग्लिश का क्वेश्चन कहां से हो गया लेकिन पूछता कई बार पूछा है मीटर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं नेम्स ऑफ प्लेसेस अलग अलग स्थान अलग अलग जगह का नाम क्या होता है वो है पोटिको से क्वेश्चन पूछा गया है फैसांड से क्वेश्चन पूछा गया है है ना तो वो सब है फिगर ऑफ स्पीच बेटा फिगर ऑफ स्पीच हमने यहां पे इसलिए डिस्कस uh, किया है क्योंकि पर्सोनिफिकेशन मेटाफर कई बार पूछा गया है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं अब आइए लिटरेचर से रिलेटेड हार्परे स्वान सॉन्ग भाई क्या है क्यों है एक्सटेम्परे क्या है विदाउट प्रिपरेशन जो स्पीच देते हो हारंग जो गुस्से से भर के स्पीच देते हो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और वो मैंने यूज किया रिलेटेड अब आर आई टी जिसका मतलब होता है क्या जो कर्म कांड होते हैं ना हमारे हिंदू धर्म में सोलह संस्कार होते हैं ठीक है ना तो उसके बाद फ्यूनरल का पूछा है Swang सॉन्ग क्या होता है Swang सॉन्ग होता है जो आखिरी परफॉर्मेंस देते हो आप अपने करियर का तो ये सब रिलेटेड टू अब देखो अब बोलोगे मैम ज्योग्राफी क्यों पढ़ा रहे हो आप बेटा ज्योग्रफी से रिलेटेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बहुत बार आया है आप इंग्लिश के टीचर हो अगर तो आप जानते हो गए इक्विनॉक्स उसके बाद डेल्टा और आ, उसके बाद पूछा है आ, जैसे आ, बे का, का तो हमको समझ में नहीं आ रहा ये सब क्वेश्चन क्यों पूछते हैं वो हिस्ट्री का नोमैड पूछा हुआ है ठीक है ना समझ रहे हो हिस्ट्री का ज्योग्राफी का ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं तो हम उतने ही वर्ड उठाए हैं

आणिमल ट्रेड़, आणिमल ट्रेड़ का मतलब होता है किस तरह के एनिमल से रिलेटेड आप कौन सा एनिमल तो तो ट्रेड्स ओके अच्छा पर्सनैलिटी ट्रेड्स भाई आप किस तरह के पर्सनैलिटी के हो क्या आप हार मान जाते हो जल्दी आप डिफिटिस्ट हो क्या आप आशा से भरे रहते हो आप ऑप्टिमिस्ट हो यानी कि ये सारे पर्सनलिटी ट्रेड्स इसमें डाला है मैंने प्रोफेशन अलग अलग प्रोफेशन कौन कौन सा प्रोफेशन फिलेटेलिस्ट कई बार क्वेश्चन आया है ठीक है matters, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं क्या करूं है ना डाक टिकट संग्राहक को फिलेटेलिस्ट कहते हैं तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं प्रोफेशन से रिलेटेड हा फ्लोरा एंड फोना वहां के प्लांट्स जो होते हैं एक रीजन के उसको फ्लोरा कहते हैं एनिमल्स को फोना कहते हैं तो वो आप ये सारे वर्ड्स जो बर्थ वाइज ओवी वी पेरस वी पेरस ये सब पढ़ोगे इसमें ही उसके बाद किसके बच्चे को क्या कहते हैं उसकी फीमेल को क्या कहते हैं ठीक है उस जहां वो रहता है अब जैसे कहते हैं जहां पे कुत्ते रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं है ना अगर मेयर हो क्या है हॉर्स की फीमेल है पोनी क्या है ऑफ स्प्रिंग की बात करेंगे उसके ग्रुप को क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स में क्या अगर ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स की बात करें तो उसको हम लोग हर्ड कहते हैं उस तरह का सब कुछ है कैन बी कैन चेंज हिस्स रिलीजियन टर्न कोट होता है अपोस्टेट होता है तो ये क्या है कैन बी एंड कैन नॉट बी हाइफोनेटेड फ्रेजी है बीच में हाइफन का है ना तो उस तरह के हाइपोनेटेड फेजेस को अलग कर दिया बेटा टोन और पैसेज आपको हेल्प करता है पैसेज के टोन बताने में एक्सपोजिटरी है डिस्क्रिप्टिव है जो एक्सपोजिटरी और डिस्क्रिप्टिव दोनों सिनोनिम होते हैं है ना एनालिटिकल है क्या है और सिनोनिम एंटोनिम करीबन ये सबसे ज्यादा मेरा समय लिया है बेटा अगर आप गूगल से सर्च मारते हो ना तो सिनोनिम में कुछ भी एंटोनिम में कुछ भी बहुत दूर दूर वर्ड भी डाल देता है एक एक पेज में बहुत मेहनत करना पड़ा करीबन 80 प्लस पेजेस हैं यानी करीबन मुझे लगता है 800 प्लस वर्ड से हर वर्ड का छह से सात सिनोनिम और छह से सात एंटोनिम यानी अगर मैं हर वर्ड का दस भी लू एवरेज कि पांच सिनोनिम पांच एंटोनिम तो बेटा 800 का मतलब 8000 हजार तो यही वर्ड हो गया आपके बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है ठीक है उसके बाद ये जो चैप्टर था होमोनिम वो कल मैंने ऐड किया मैंने कहा यार होमोनिम छूट रहा है तो ये कल मैंने ऐड किया उसके बाद बेटा एक पंगा हो गया बुक बन गया बहुत ज्यादा पेजेस का तो हम 18 और 19 का जो वोकैबुलरी प्रिपेयर किए हुए थे एग्जाम का वो मैंने हटा दिया और मैंने कहा कि हमारा जो नीतू सिंह वुकैप टेलीग्राम चैनल है मैं उसमें 18 और 19 का वुकैप शेयर कर दूंगी यहां पे आपको 20, 21, 22 का वन वर्ड एडियम सिनोनिम एंटोनिम स्पेलिंग्स मैंने ऐड कर दिया है तभी मैं आपको कह रही हूं आप प्लीज नीतू सिंह वुकैप को ज्वाइन कर लीजिएगा दो हजार के अलावा बाकी भी और जितने एग्जाम्स आते रहेंगे या आए हैं उन सबको भी मैं उसमें डाल दूंगी ठीक है क्लियर इसीलिए ये हमारा देख लो करीबन फोर्टी फाइव चैप्टर्स है जिसमें आप फोर्टी चैप्टर्स तो बिल्कुल ऐसे हैं जो आपको पढ़ना है और उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के की के साथ आपको दिया हुआ है और ये सारे वोकैब्रेरी को मैंने बहुत ध्यान से एक चीज को याद रखा है कि भैया ये जो वो है मेरे बुक में हो यानी कि चैप्टर्स में हो और जो भी नया कैबलरी आएगा जो मेरे नजर में आएगा कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है और या कुछ छुटा या कुछ नया वो कैब दिखा बेटा आप नीतो सिंह वो कैब अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो उसमें मैं शेयर करते रहूंगी क्योंकि एक एक वर्ड मैंने नजर से गुजरा है मैंने बनाया है मैंने देखा है पूरा का पूरा मैं उसको ढंग से मैंने एक एक पेज को सवारा है आपका सहयोग चाहिए मुझे कि थोड़ा सा बस चल गया है छपने के लिए बुक लेकिन हाँ क्योंकि ये कलर्ड बुक है इसीलिए इसमें दो तीन दिन टाइम ज्यादा ले लेता है छब्बीस जनवरी आपका छुट्टी तो होगा ही इसीलिए 27 जनवरी तक 27 28 तक ये बाजार में आ जाएगा प्लीज तब तक थोड़ा सा बर्दाश्त करिए मैंने आपको कंटेंट्स रिलीज कर दिया है बेटा कंटेंट्स देख के आप समझ सकते हो कि एक एक चैप्टर में मैंने बहुत मेहनत किया है चलिए आप सहयोग मैं चाहती हूं और यह बुक बहुत जल्दी बाजार में आ रहा है थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू